ओए ओए ओए, वो तले हुए बैगन खाओगे तो याद करोगे। अरे आपके तो हाथ की हर चीज कमाल होती है। मैंने तो कहने लगी कि भुजिया बना ले, मैंने कहा लो 3 दिन पहले तो बनाई थी, बच्चे बेचारे तंग आ जाएंगे फिर बाहर की कोई चीज मंगाएंगे। नहीं नहीं पप्पा, कोई जरूरत नहीं बाजार के खानों की, बिल्कुल बाजार के खाने बंद, बल्कि बच्चों के लिए भी ठीक नहीं बाजार के खाने, घर का खाना खाएंगे। मैं कह रही थी कि बहू को ले आओ, बहुत दिन हो गए, वहाँ कोई और नहीं है सच्चा बच्चा को देखने वाला। मुझे भी एहसास है कि आप हमें खाने बना बना के खिला रही हैं और कितनी आप खिदमत कर रही हैं हमारी, हालांकि हमें आपकी खिदमत करनी चाहिए, आपको खाने बना बना के खिलाएं, आपकी खिदमत करें आप। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा अपना घर है और मैं नहीं थकती, मुझे बहुत आदत है काम करने की, और वैसे भी बहू के होते हुए कौन सा बिस्तर पर बैठ के खाती हूँ मैं। बेशक ठीक कह रही है। वो तो मैं बच्चों के लिए कह रही थी कि देखो बहुत दिन हो गए, वैसे तो मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, ख्याल रख रही हूँ, उससे अच्छा ही रख रही हूँ, लेकिन फिर भी। और सच्ची बात तो ये है कि अजरा चाहे जैसी भी है, झगड़ालू है, बदतमीज है, लड़ाका है, घटिया है, पर है उसकी रौनक, इसलिए कह रही थी। ठीक है पप्पू, मैं उससे बात करता हूँ। जोर से बोलो क्या हो गया। मम्मी मुझे पिज्जा मंगवा देना। पिज्जा मंगवा दे? अरे पप्पो ने इतना बेहतरीन, आओ इधर आओ आओ, तलिए हुए बैगन बनाए, इधर बैठो खाओ, निकालो तुम्हारे लिए। मुझे नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाओ। ये खाना है और तो खाओ वरना जाओ। कुछ नहीं खाना ये, मुझे पिज्जा खाना है। अरे किस तरह बात कर रहे हो, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, तमीज नहीं है तुम्हें? आप सुन क्यों नहीं रहे हैं, मुझे पिज्जा खाना है। तुमने ये खा रहे तो खाओ वरना जाओ अपने कमरे में, चलो। मैं नहीं खा रहा ये, बाहर हूं मैं। अरे रुको, क्यों रो, देखो रोता चला गया, मैं कुछ बना देती हूँ और बना। अरे जाने दे पप्पो इसे, थोड़ी देर भूखा रहेगा ठीक हो जाएगा, हर बात में जिद करने लगा है, खाने पे जिद, स्कूल जाने पे जिद, बात बात पे जिद करने लगा पप्पो। अरे बच्चा है उसका क्या कसूर, जो उसको माँ सिखाएगी वही करेगा ना, उसी पे पक्का हो गया। अब तुम भी चाहते हो कि एकदम से वो सुधर जाए, ऐसा नहीं होगा, तरबियत वक्त मांगती है। अब कर रही हूँ ना मैं, उसको काफी हद तक ठीक कर लिया मैंने, स्कूल की टाइमिंग ठीक कर दी है, स्कूल का होमवर्क कराने को बिठाया है, नींद का टाइम ठीक कर दिया, हो जाएगा, वक्त लगेगा सही हो जाएगा। मुझे तो की फिक्र नहीं है, मुझे तो उसकी फिक्र है जिसने लड़कपन की दहलीज पे कदम रख लिया। अंबर? हाँ अंबर। अंबर का क्या हुआ है, स्कूल से शिकायत आई उसकी? शिकायत नहीं आई, तोहफा आया। नहीं नहीं पप्पू, उसको कौन तोहफा भेजेगा? अरे मुझे क्या पता, अंग्रेजी में नाम लिखा था, पढ़ तो नहीं सकती मैं, लेकिन आया उसी के लिए। अरे वो फरद के अम्मी अबू ना कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, परफ्यूम्स ये वो गिफ्ट भेजते हैं, वो होंगे। अरे माना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन कान तो सुनते हैं ना मेरे, डाकिये ने खुद कहा है कि अंबर जमाल का पार्सल है। नहीं नहीं पप्पू, वो उसके किसी दोस्त ने भेजा होगा। अरे दोस्त ने देना होता तो वो आके दे देती, मतलब डाकिये के हाथ पार्सल क्यों भेजती? अच्छा खैर तुम खाना खाओ, परेशान नहीं हो, मैं जाके देखूं क्या है, बच्चा रो रहा है, नटखट क्यों रो रहा है, क्या कह रहा है ये, इसको कुछ और बना देती हूँ, मुर्गी शुर्गी बना देती हूँ, तुम खाओ खाओ। अरे उमर क्या हुआ बेटा,